गुग्गुस नगर पालिका के चुनाव की आहट के बाद सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने मतदान सूची में उलटफेर होने का आरोप लगाया है। सोमवार को BRSP के शहर अध्यक्ष शरद पाइकराव ने मतदान सूची में गड़बड़ी की शिकायत लेकर नगर पालिका के मुख्य अधिकारी के पास पहुँचे। मुख्य अधिकारी आर्शिया जूही को ज्ञापन देकर मतदान सूची में हुए चूक दुरुस्त करने की मांग की है। BRSP की दलील है कि सालों से एक ही वार्ड में रहने वाले कई नागरिकों की मतदान सूची दूसरे वार्ड में है। वार्ड नंबर 2 में रहने वाले कुछ नागरिकों की मतदान सूची वार्ड नंबर 3 या 4 में है, जबकि वार्ड नंबर 3 में रहने वाले कुछ नागरिकों की मतदान सूची वार्ड नंबर 5 या 6 में है। यहाँ तक कि एक ही परिवार के सदस्यों की सूची अलग अलग वार्ड में है, जिसे गोलमाल कहें या चूह, जिस कारण वोट करने में नागरिकों को परेशानी हो रही है। BRSP ने गुग्गुस नगर पालिका के चुनाव के पहले मतदान सूची दुरुस्त न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी च्या माध्यमातून माननीय मुख्याधिकारी साहेब नगर परिषद गुग्गुसांना निवेदन देण्यात आले आहे की गुग्गुस येथील नागरिकांच्या वोटिंग कार्डामध्ये मतदार वोटिंग कार्डामध्ये सर्वात जास्त गोल मजल आपल्या समोर आलेला आहे। जेव्हा गुग्गुस नगर परिषद गुग्गुस ग्रामपंचायत होती, त्या गुग्गुस ग्रामपंचायतच्या जेव्हा आजवरी ज्या निवडणुकी झाल्या, हा त्या निवडणुकीमध्ये हा घोट केलेला आहे। गुग्गुस येथे मतदानाची यादी, ज्या नागरिक ज्या वार्डात 20-30 वर्षापासून राहत असतात, त्या वार्डातील नागरिकांच्या दुसऱ्या वार्डात असे नावे दिलेले आहे आणि ह्या निवडणुकीच्या संदर्भात ह्या चुका केलेल्या आहेत। तरी नगरपरिषद गुग्गुस यांना असं सांगण्यात येतं की लवकरात लवकर या निवडणुकीच्या वोटिंगामध्ये जे ज्यांनी वोट केलेलं आहे ती चूक झालेली आहे, त्या चुकीची दुरुस्त करण्यात यावी, जेणेकरून तिथल्या नागरिकांच्या नावाने तिथेच वोटिंग कार्ड बनले पाहिजे आणि तिथल्या नागरिकांना वोटिंग टाकण्याकरता कोणता त्रास झाला नाही पाहिजे।